गाड़ी का आवाज लगता है डीसी साहब आ गए। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। हर घटना और हर बात पर सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, लेकिन ये जरूरी है कि दृष्टिकोण का कारण तुम्हारे दिमाग पर स्पष्ट होना चाहिए। पूरे संसार में किसी भी विषय पर कम से कम दो दृष्टिकोण तो मिल ही जाते हैं, फिर वो चाहे राजनीतिक मुद्दा हो या सामाजिक या अन्य कोई। और मुद्दा, आजकल भ्रष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। काहे इतना गला फाड़ रही हो? वहां डीसी साहब पिंकी को पढ़ा रहे हैं, क्या हुआ? तुम दोनों यहां क्या कर रही हो भाई? है? आपके वो डीसी साहब स्वयं फुनवा करके हमको सब कुछ विस्तार से बताए, पर एक बात तो तय है कि वो विद्या का बेटी तो अब गई काम से। अरे देख रहे अपने भतीजी लोगों का कारस्तानी? अरे हम लोगों का सोना चांदी चुराते देखे, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं लोग चढ़ाने का भी चोरी करता है। सर क्या बताएं, आजकल का जमाना में शरीफ लोगों का जीना हराम हो गया है। अरे क्या बताएं सर जी, ये लोग बहुत घटिया लोग हैं। बताइए, पहले आपका पैसा देने का कोशिश किया और जब आप भगा दिए तो कैसे चोरी छुपे आपका ट्रेनिंग ले रहा था? हम तो कहते हैं सर जी, इन लड़की को ना कभी किसी कीमत और वीडियो नहीं बनना चाहिए। अच्छा अब हमें निकलना होगा। कहाँ? और हाँ, आगे से आपकी बेटी को पढ़ाना हमारे लिए संभव नहीं होगा।
सर कहाँ बात कर रहे हैं? मम्मी सर सर एक मिनट हमारा बात सुना जाए सर सर देखिए हम क्या कह रहे हैं अरे सर 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 बात सुनिए सर डीसी साहब ऐसा मत कीजिए देखिए हमको आप ही का सहारा है हमारी बेटी पिंकी को आपका मार्गदर्शन का सख्त जरूरत है देखिए दो चार दिन और पढ़ा देते तो कुछ नहीं होगा डीसी साहब अरे सर सर अरे सर अरे लो डीसी साहब चला गया परिवार मिलकर नौटंकी कर का भौजी का है ये सब का शिक्षा दी हो इन बच्चों को हैं? चोरी डकैती तो हो ही गया है खून खराबा बचा है वो भी एक दिन हो ही जाएगा अरे चुप रहिए अपनी भौजी के काम पछ ले रहे ऊपर से बस सीधा साधा दिखती हैं लेकिन सारे षड्यंत्र में वो शामिल रहती हैं चाची तुम काहे बात को आगे बढ़ा रही हो अरे दीदी तुम्हारी छोटकी बेटकियां देख रही हो कैसे आंख तड़ेड़ के बात करती है चंचल चुप करो तुम और एक शब्द नहीं बोलना देख रही है आप एक दिन बड़े होकर ना ही गुंडा बनेगी और दूसरी तो चोर है ही एक गुंडा और एक चोर अरे दुल्हन इनकी तरफ से हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं बच्चे हैं माफ कर दो हाँ ठीक है देहाती जी आप पीछे आइए शांत होइए पीछे आइए वो कहा है भौजी के इतना ज्यादा शोर शराबा हो रहा है ना तो आप बच्चों को लेके जाइए आप लोग भी अपना घर में जाइए ये हमारा घर का मामला है हम सुलटा लेंगे अतः जाइए आप लोग चलिए कहाँ पापा अरे 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 पिंकी अरे देहाती जी आप रुकिए ना अरे वो अरे देहाती जी जाने दीजिए ना कहाँ नौटंकी की है भाई वो कृष्णवा का तो गली मोहल्ला में आना जाना है दुबरे हो जाएगा पड़ो हमारी पिंकी ना वो नाराज हो गई है तो क्या हुआ जाके प्यार से मना लीजिए ना अतः हम वो डीसी को मना के आते हैं उसका पारा थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा ना हाँ। लेकिन उसके लिए टुनटुन भैया के यहाँ जाना पड़ेगा अरे क्या जरूरत था ये सब करने का अरे पूरा मोहल्ला के सामने हमारा सिर नीचा हो गया माँ दीदी तो सिर्फ ट्रेनिंग ले रही थी चुप करो तुम ये सब दिमाग भी तुम्ही लड़ाई होगी अरे सुनी नहीं तुम दोनों तुम्हारे चाचा चाची काका कहे इतनी बड़ी हो गई हो पर समझ में कुछ भी नहीं आता है माँ हम तो डीसी सर को बता दिए थे कि हम उनका इजाजत के बगैर शिक्षा ले रहे हैं और अब वो है डीसी साहब सिफारिश लगाएंगे कि तुम्हारा इंटरव्यू में चुनाव ही ना हो एक ही नहीं थी तुम कैसे गुस्सा में घूर रहे थे तुमको पहले तुम्हारे पापा के साथ उठाने वाला बात हो गया रहा सहा कसर तुम पूरा कर दी अरे बड़े लोग बहुत जिद्दी होते हैं जिससे नाराज हो जाए उसको बर्बाद करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं हमको तो समझ में नहीं आता है कि इस घर का क्या होगा
अरे कृष्णा रुको, हमें तुमसे कुछ काम है। हमको तो जैसे समझे में नहीं आता है कि दोनों बाप बेटी मिलकर हमको बेवकूफ बनाने का कोशिश करते हैं। बैठो। एक बात बताओ बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो की वो गलत है? पापा हमको तो लगा कि हम सीख रहे हैं, लेकिन माँ बोली कि हम गलत किए। ये पंखा देख लियो बेटा, ध्यान से देखो, वो घूम नहीं रहा। अगर शायद तुम उसको अपने हाथ से घुमा दो तो ये घूमने लगे। चलो एक मिनट, एक मिनट। खोलो इसे। अब एक काम करो बेटा, तुम इसके ऊपर चढ़ करके इसको हाथ से घुमा दो। ये तो शुरू हो गया पापा, इसलिए सीढ़ी का क्या जरूरत है? देखा बेटा, हम तुमको एक काम दिए, तरकीब भी बताए, लेकिन तुम अपने विवेक का प्रयोग करके उसको कर दिए। इसका क्या मतलब हुआ समझी? इस सुनो सबकी, लेकिन काम करो अपने विवेक से। अगर विवेक सही है तो सब सही है। अरे वाह पापा, आप हमको इतना बड़ा बात कितना आसानी से समझा दिए। डोंगी? डोंगी नहीं, डोंकी मतलब गधा। अरे 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 छोटे मालिक, अभी तक हम घोड़ा थे, अब आप समझो कि हम गधा हैं। बैठो, आओ बैठो। भैया जी, भैया जी। ए बिग डोंगी। अरे बिहारी। आप डोंगी बनिए ना, हमको आपके ऊपर बैठता है। जरूर जरूर सोनू जी, आपके लिए तो हम कुछ भी बन सकते हैं। रुका है ना, हम थोड़ा परेशान हैं। तुम कहा है आपका वो डंकी डंकी जो है, वो हम बाद में बन जाएंगे, ठीक है? अरे सोनू ये क्या कर रहे हो? हाँ बहुत खेल कूद हो गया, ले जाओ इसे। प्रणाम भाभी जी। आप लोग बैठकर बातें कीजिए, हम चाय भिजवाते हैं। हाँ, हमारे लिए भी चाय बनाइए गंगा देवी। प्रणाम भैया जी, प्रणाम। प्रणाम। का बिहारी बाबू, आज तुम्हारा नाक पर मक्खी का है भिनक रहा है? चलो बस बहुत हुआ। हाँ भैया जी, कहा है ना, वो कृष्णा जो है अपना होशियारी के चक्कर में मारी गई। वो डीसी साहब जो आए था उसके बाद। अरे हमको सब पता है बिहारी। आपको ये सब कैसे पता? आप कौन, जादू भी जानते हैं का? जादू का? हम तो टोना भी जानते हैं। जय बजरंग बली, आपके वो डीसी साहब स्वयं फुनवा करके हमको सब कुछ विस्तार से बताए। वो बता रहे थे कि अब तो इंटरव्यू पनल में भी रहेंगे, इसलिए पिंकी को ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। कहा ना सरकारी मामला है भाई। पर एक बात तो तय है कि वो विद्या का बेटी तो अब गई काम से। सर जी, इन लड़की को ना कभी किसी कीमत और वीडियो नहीं बनना चाहिए।
का शिक्षा दी हो इन बच्चों को? चोरी डकैती तो हो ही गया है, खून खराबा बचा है, वो भी एक दिन हो ही जाएगा। अब वो है डीसी साहब सिफारिश लगाएंगे कि तुम्हारा इंटरव्यू में चुनाव ही ना हो। अरे बड़े लोग बहुत जिद्दी होते हैं, जिससे नाराज हो जाए उसको बर्बाद करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। दीदी चलो ना, रवि भैया कितना प्यार से सिनेमा का टिकट लेके आए और तुम उनके मुंह पर ही मना कर दी। वो बात नहीं है चंचल, हमारे कहने का मतलब ये था कि हमको पढ़ना है इसलिए तुम लोग चले जाओ। अरे दीदी पढ़ती तो तुम रोज ही हो, और वैसे भी सिर्फ 2-3 घंटे का बात है, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। वैसे भी सवेरे कितना पंचायत हुआ है। चलो ना दीदी चलो ना। जिद मत करो चंचल, वैसे भी हमारा मन पढ़ने से ही बहलता है। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, बचपन से तुम्हारा मन तो पढ़ाई में ही लगता है, पर तुमको आज हम सबके साथ चलना होगा। अरे हुआ हो बेटा, सिनेमा देखने से तुम्हारी पढ़ाई को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तुम्हारी दोनों बहन बहुत अच्छा काम की है ना, लेके जाओ इनको सिनेमा दिखाने। अरे माँ काहे गुस्सा हो रही है, आज इतना दिन के बाद हम सब भाई बहन कहीं जा रहे हैं। हम टिकट ले आए, मनीषा दीदी और जीजा जी को भी बोल दिए, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे चलो। श्री सरस्वती राज काहे इतनी परेशान हो रही है, समय सब ठीक कर देगा। सोच रहे थे कि पिंकी के ब्याह में ना नारंगी रंग का लहंगा पहनेंगे। अच्छा एक बार तुम रुको, हम तुमको बाद में फोन करते हैं। अरे तुम ही अकेले कर रही हो? वो चाची हमको स्त्री चाहिए था। वैसे मान गए तुम लोग, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुंह उठाकर चले आए, स्त्री दे दो हद है। पर तुमको अचानक स्त्री का क्या जरूरत पड़ गया? हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, रवि भैया टिकट लाए हैं। अच्छा ठीक है। पी लो। कितने बेशरम लोग हैं। मम्मी आज तुम स्त्री दे दी, लेकिन अगली बार अगर ये लोग कुछ भी मांगेंगे ना तो साफ साफ मना कर देना। अरे बेटा नाराज नहीं होते। लेकिन मम्मी वो कोयला खदान सिनेमा देखने जा रही है और हम घर पर बैठकर बोर होंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें भी सिनेमा देखना है, वो भी अभी। अरे बेटा इसमें इतना नाराज होने का क्या बात है, हम अभी दुकान में किसी को बोल देते हैं, दुकान बालकनी का टिकट मंगा लेते हैं। मम्मी पिंटू जी को भी बुलाइए ना, अगर वो हमारे साथ सिनेमा देखने आएंगे तो सिनेमा देखने का मजा तो डबल हो जाएगा। ओहो ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, तुम्हारे पापा तो हुए ही है ना, तो हम उनको फोन लगाते हैं। पिंटू बेटा तुम अपना भाभी को लेके देहाती जी और पिंकी के साथ सिनेमा देखने चले जाना। पिंटू जी सब ठीक ना? भैया ही बता रहे थे आप उनका साथ ठेकेदारी में देने लगे हैं। हमारा पिंकी भी वीडियो का तैयारी कर रही है, आप तो जानवे करते हैं ना, भैया जी का हाथ है आपके सर पे, तब बड़ा ठेकेदार बनेंगे आप। बहुत अच्छी बात। पिंटू जी तो हमको आज्ञा दीजिए, भैया जी के साथ कहीं निकलना है। प्रणाम। फोन। दिहाती जी हैं। हेलो। ए जी हम क्या कह रहे थे ना, वो कोयला खदान है ना, वो फिल्म देखने जा रही थी, तो हम सोचे कि हम पिंकी भी चले जाए। तो का पिंटू जी से भी पूछा जाए का, अगर वो भी चलेंगे तो अच्छा रहेगा ना। अरे हाँ हाँ ये तो अच्छा विचार है, इको काम कीजिए, भाभी जी यहीं बैठी हैं, खुदे न्योता दे दीजिए। भैया जी भौजी भौजी देहाती जी। नमस्ते देहाती जी, कैसी हैं आप? अरे प्रणाम गंगा जी। तो का है ना, देखो
पारिवारिक सिनेमा लगा हुआ है। अब हम लोग देखने जा रहे थे, अगर आप लोग चलते तो अच्छा रहता। अब हम कहाँ सिनेमा विनेमा देखने जाएंगे? आप चाहे तो सरगम को ले जाइए। तो क्या सरगम बिटिया अकेली जाएंगी? वो तो है, अब बबलू तो सिनेमा देखने जाएगा नहीं। हम एक काम करते हैं, पिंटू को सरगम के साथ भेज देते हैं। हाँ। अरे बा, तो जैसा आपका आदेश। तो ठीक है गंगा जी, फिर उनसे कहिएगा कि हम लोग हुए मिलते हैं। अच्छा अच्छा भाभी, प्रणाम प्रणाम। चलते हैं पिंटू जी। पिंटू बेटा, तुम अपना भाभी को लेके देहाती जी और पिंकी के साथ सिनेमा देखने चले जाना। चलो। अच्छा जी, प्रणाम। मम्मी, पिंटू जी आ रहे हैं ना?